intro of this video or not, so that's why I'm doing it right now. So today is 12th of October and we are going out for lunch, which we were supposed to do on the 8th of October, jis din mummy ka birthday tha, but I've already mentioned before that why did we not go on that day. That's why we are going today, and we are going to buy her some gift, which I guess you're going to see in this video as well, and we're going to do some shopping here and there. So in order to see what all we did, keep on watching. Okay, so in this vlog, you're gonna first see me giving countdowns to mama, then preparations for her birthday, and then the birthday vlog, which went on till the 12th of October from 8th of October. So yes. 2 months to go, mama. Thank you. Whoa, cream. Quick disclaimer, जितनी भी countdown की clips आप लोग इस video में देखेंगे वो obviously बाद में shoot करी गई है, apart from 2 days countdown and 1 day countdown partially. वो cream भी अच्छी है mama. Sheet mask. Yay. 1 month to go. Welcome. क्या लाई हो आप? देखो. Oh, wow. No spin. Yes. Oh. No spin. कैसी लगी? Wow. Mama. 2 weeks to go. कितनी गिफ्ट हो गया? कोई बात नहीं. कैसा है? ये क्या है? ये दुपट्टा है और ये है कुर्ता. वैसे मम्मी ने पहन के देख लिया है ऑब्वियसली अब तो, पर इसका फिट काफी अच्छा, बड़े बहुत लॉन्ग है, सो मेरे से ऑल्टर कराएंगे. अपेरेंटली ये बहुत ही ज़्यादा लूज है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ढीला है हर जगह से, तो ये ऑल्टरेशन के साथ वर्क नहीं करेगी. एंड इन मम्मी अच्छा भी नहीं लगाना ये ज़्यादा कुछ, कि इसमें छोटा साइज अवेलेबल हो तो मंगाए. सुंदर लगा था ये, एक्चुअली में है भी बहुत सुंदर, तो मे बी वी आर नॉट गोना कीप दिस एंड इसे हम रिटर्न कर देंगे इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग इट फॉर अ स्मॉलर साइज. सो या दैट्स इट, बट ये बहुत क्यूट है, इसका कॉलर भी बहुत अच्छा है. टू गो मम्मा. थैंक यू. देखो क्या है. देखना भी पड़ेगा. देखना तो पड़ेगा ही. अरे वाह. Yay! 2 days to go. Wow! Bye. कैसा लगा? ये तो बहुत सुंदर है. ये वाला? ये वाला इससे ज्यादा सुंदर है. ये देखिए कितना प्यारा सा. Place these two Twix chocolates on a rack which is just next to our common wash base. Okay, so now I'm holding this raspberry jam which I'm gonna place on the slab in our kitchen, and what I'm trying to do is that I'm gonna put small little things like this jam, and then there was Twix chocolate, and then there's Oreo chocolate jam which I'm putting in my room. So the idea is to give her surprises, like when she enters into the kitchen she sees the jam, when in my room she sees Oreo chocolate. This is a marble cake which I'm putting just next to her, so when she gets up in the morning
she sees a marble cake next to her. This is cheese and Kit Kat chocolate, which I'm placing on the center table. So when she comes to the dining area, she sees this. This is nutties, which I'm placing on washing machine in our washroom. So when she goes to the washroom, she sees this. So this is a cute little idea that I wanted to do for her. मम्मी का बर्थडे और दशहरा एक ही दिन पे था, और मम्मी का जो बर्थडे केक कट होता वो नवमी और दशहरा की मिडनाइट पे कट होता, तो वो एगलेस केक ही खाती. बेसिकली मेरा मन ये था कि मैं शुगर एंड स्पाइस जो खान मार्केट में है वहाँ से जाके मम्मी के लिए केक लेकर आऊँ, जो कि 9th October को लेटर ऑन आप इस वीडियो में देखेंगे मैंने कट करवाया उनसे. बट उस दिन मैं जो चाहती थी केक उनके लिए या जो मुझे पसंद आ रहे थे वो एगलेस में अवेलेबल ही नहीं थे. तो मेरे को इंटरनेट पे ये इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली पे मेरे को ये इमेज एक केक की अच्छी लगी है. मैंने अपने जो लोकल बेकरी शॉप है वहाँ पे उनको बोला कि आप ऐसा केक बना दो, और विश्वास मानिए मेरी बात का, इतना गंदा और जहरीला केक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया. एंड यस, यहाँ पे मैं ये हैप्पी बर्थडे टू मी लेकर आई हुई हूँ उनके बर्थडे के लिए, और ये मैंने कुछ इंटरनेट से ये सारी इमेजेस प्रिंट करी हैं, एंड देन मैं इनको कट करूँगी और आगे आप चल के देखेंगे कि इन इमेजेस को मैंने कैसे 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 डेकोरेशन में यूज़ किया है. सो यस, कीप ऑन वॉचिंग. हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कल कंचर की तैयारी कर रही हूँ. क्या तैयारी कर रही हो? बच्चों को देने के लिए ना सामान सारा लेके आई हूँ. क्या? ये देखो, बच्चों के लिए ये लाए हैं, फ्रूटी लेके आए हैं, चॉकलेट लाई हैं, और बच्चों के पैसे भी इसी में रख दिए कि बच्चे गिरा देते हैं, और ये प्लेट ले आए हैं कंसर्ट के लिए. अब बच्चे ऐसे गिराते हैं, इसी में हलवा पूरी रख देंगे. तो बच्चों को देने में भी आराम रहेगा और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, और जो प्रसाद है वो भी वेस्ट नहीं होता. प्रसाद बचेगा, बच्चों को इसी में रख के दे दूँगी, वो घर पर खा लेंगे. ये हो, सो दिस इज़ ममाज़ बर्थडे केक जो कि हमने मिडनाइट में कट किया था. आई नो दिस इज़ नोवे क्लोज टू द इमेज जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी, एंड मैंने ये पहले मेंशन भी करा हुआ है. सो यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स हैं जिनकी मदद से मैं इस केक को फिक्स करने वाली हूँ और एक बेटर लुकिंग केक बनाने वाली हूँ. अब ये थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है इन चॉकलेट और कैंडी की वजह से. और अब ये एक स्टिक के ऊपर मैंने यूनिकॉर्न को चिपकाया है, और अब मैं इसको केक के अंदर डाल रही हूँ. एंड आई थिंक ये मैंने आप लोगों को पहले ये इमेजेस दिखाई हुई हैं जो मैंने कहा था कि मैंने इंटरनेट से कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ मम्मा की फ़ोटोज़ हैं जिनका मैंने प्रिंट निकाल के उसके शेप में अब कट करके स्टिक पे चिपका के आई पुट दिस इनसाइड द केक. एंड आई थिंक इट्स अ क्यूट लिटिल आइडिया, यू नो, विच यू कैन डू. एक थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है. एंड प्लीज़ लेट मी नो कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, एंड ये इंस्पायरिंग था कि नहीं. तो अगर था तो प्लीज़ ट्राई इट. तो मम्मी की एक माइनर सर्जरी होगी थी जिसकी वजह से हम बाहर लंच या डिनर कर लेकर नहीं जा पाए थे जैसे कि हमने इनिशियली सोचा था कि हम जाएंगे. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग लंच फॉर एवरीबॉडी एट होम ओनली. सो मैं उस पर्पज़ के लिए हमारे जो बेसिक डिनर सेट्स हैं घर में उनको यूज़ नहीं करना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू गो फुल ऑन. मैंने मेन्यू कार्ड वगैरह सब कुछ प्रिपेयर किया था, विच यू आर गोना सी इन दिस वीडियो लेटर ऑन. और इसलिए मैं हमारे क्रॉकरी कलेक्शन में से कुछ स्पेशल चूज़ करना चाहती थी. ओके, सो इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, और पीछे जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट बेसिक डिनर सेट जो आप देखा आपने उसको चूज़ नहीं किया इस पर्पज़ के लिए. ये गोल्ड कैसल मेड इन जापान है, एंड ये मेरे बाबा ने खरीदी थी ये सारी क्रॉकरी व्हेन ही वाज यंग. सो ये उस टाइम से हम लोगों के पास ये सारी क्रॉकरी अभी भी है. एंड
यू नो दैट्स द रीज़न इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड वेग. ये सारी प्लेट्स वगैरह भी उसी टाइम की है, और ये जो वाइट वाली प्लेट है आई थिंक दिस इज़ बंगाल पोट्रीज. सो येस, एंड आई वॉन्ट टू क्विकली टेल यू ऑल कि जैसे मैंने ये स्पेशल एक चीज़ अपनी मम्मी के लिए करने का सोचा, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो मेक श्योर कि ये जितने भी यूटेंसिल्स हैं आप इनको यूज़ करने से पहले जो वॉश कर रहे हैं वो भी खुद वॉश करें, यूज़ करने के बाद भी खुद वॉश करें. मम्मी को, बाकी किसी फैमिली मेम्बर को या हाउस हेल्प को इस चीज़ के लिए मत ट्रबल करिए, एंड डू इट योर सेल्फ प्लीज़. बर्थडे एंड ऑल्सो दशहरा है. सो हमारे पार्क में ही रावण दहन होने वाला है, नीचे रामलीला भी अभी हो रही है. सो अभी हम जल्दी से यहाँ पे फोटोज क्लिक करने के बाद नीचे जाने वाले हैं. एंड ऑल्सो हमने प्लान किया था कि आज हम कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे, बट मम्मी का क्योंकि कुछ तो माइनर सर्जरी हुआ है, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. एंड जो पीछे से बहुत ज़्यादा साउंड और बहुत ज़्यादा म्यूजिक आ रहा है, वो जो नीचे रामलीला हो रही है और रावण दहन हो रहा है, वहीं से बहुत सारा साउंड आ रहा है. सो अभी हम बस जाने वाले हैं. ये कुछ तो थोड़ा बहुत बैलून और डेकोरेशन बच गया है, थोड़े बहुत बैलून जो मम्मी ने आप लोगों ने बच गए, बाकी सब फूट गए हैं. एंड यस,
you like this video, please do not forget to give this video a thumbs up, share it with your friends and family, and do subscribe to my channel. I'll see you in my next one. Bye.